दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर की गंदगी साफ नहीं होती तो चाहे आप कितनी भी दवा गोली खा लो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको बीमारी से नहीं बचा सकता। दोस्तों, वो सैंडविच या पिज्जा जो आपने एक साल पहले खाया था, क्या पता आज भी वो आपकी आंतों में चिपका पड़ा सड़ रहा हो। जब तक आप अपने शरीर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लो, उसका फायदा आपके शरीर को मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने शरीर की इन गंदगी को साफ करोगे तो आपकी सारी बीमारी बिना दवा गोली के ठीक हो जाएगी। खाया पिया शरीर को लगने लगेगा, शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी और खुशी महसूस होगी, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करेगा। इसके अलावा पिंपल, दाग, धब्बे, कब्ज और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी आपके शरीर से काफी दूर भाग जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी आंत अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें उंगली के जैसे दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि किसी फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इस उभार के अंदर कई सारी नसें होती है। ये नसें हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खून में भेजा जाता है और फिर ये खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन जब हम फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड खाते हैं, मतलब ऐसे फूड जो हमें डायरेक्ट नेचर से नहीं मिलते, वो हमारे शरीर के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब ये पच नहीं पाते तो हमारी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं और दिन प्रतिदिन सड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में भेजती है तो साथ में गंदगी भी खून में मिल जाती है और खून के साथ हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और जब आंतों में जमा होती है तो कब्ज, बवासीर, और जब ये गंदगी हमारे पेट में जाती है तो फैटी लीवर, एसिडिटी, खाया पिया शरीर को न लगना, ये सारी प्रॉब्लम सामने आती है। और जब ये गंदगी खून के जरिए दिल और दिमाग तक पहुंचती है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी होती है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में घुल जाती है तो खुजली, रैशेज, दाग धब्बे और पिंपल, एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे शरीर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी इसी गंदगी की वजह से ही होती है। इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर की गंदगी साफ करना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में गंदगी है और वो दिन प्रतिदिन सड़ रही है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसके कुछ लक्षण। दोस्तों, अगर आपके शरीर में आए दिन कमजोरी रहती है, आलस रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, आपका डाइजेशन अक्सर खराब रहता है, गैस बनती है, इसके अलावा वजन कम करना और बढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया हो, अक्सर आपको छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती हो और आप कोई भी चीज बहुत जल्दी भूल जाते हो, अगर ये सारे लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गंदगी सड़ रही है। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर को डिटॉक्स करने के 7 ऐसे तरीके जिनसे आप नेचुरली अपने शरीर की गंदगी बिल्कुल आसानी से साफ कर सकते हो। नंबर 7, रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले आपको नींबू पानी पीना है। अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल वाटर लेना है और अगर ठंडा मौसम है तो गर्म पानी लेना है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बस थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है और एक गिलास में लेकर उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है और उस पानी को बिल्कुल आराम से घूंट घूंट करके पीना है। रोजाना ऐसा करने से आपका पेट और आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, आपका डाइजेशन मजबूत होगा और कब्ज दूर हो जाएगी। अगर आपको नींबू से कोई प्रॉब्लम है तो आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर भी पी सकते हो। शहद आपके शरीर को पूरा डिटॉक्स करने के साथ साथ आपके खून को साफ करके आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ाता है। नंबर 6, ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको खाली पेट में एक चम्मच कोकोनट ऑयल अपने मुंह में रख लेना है और 10 से 15 मिनट तक मुंह के चारों तरफ घुमाते रहना है। ऐसा करने से ऑयल एक मैग्नेट की तरह काम करता है और मुंह में जमे सारे विषैले पदार्थों को अपने साथ चिपका लेता है और इसी के साथ आपके शरीर की सारी गंदगी को ऑयल अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि हमारी जुबान हमारे शरीर के सभी पार्ट से नसों के जरिए जुड़ी होती है, इसीलिए शरीर की सारी गंदगी ऑयल में जाकर चिपक जाती है। और जब 10 से 15 मिनट बाद आप ऑयल को बाहर थूक दोगे तो ये सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद आपको फ्रेश वाटर से अपना मुंह अच्छी तरह साफ कर लेना है। नंबर 5, किडनी डिटॉक्स। दोस्तों, आजकल की बिगड़ती लाइफस्टाइल के चलते लोगों की किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है
और हर दूसरे इंसान को किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारी किडनी को डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए आपको 20 से 30 मुनक्के पानी में भिगो देने हैं और 8 से 10 घंटे बाद इन फूले हुए मुनक्कों को एक सूती कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ लेना है और इस मुनक्के के पानी को घूंट घूंट करके पीना है। दोस्तों, मुनक्के का पानी हमारी किडनी को साफ रखने के साथ साथ हमारे खून को भी साफ करता है। और दोस्तों, किडनी को हमेशा साफ रखने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। नंबर 4, दोस्तों आपको अपने खाने के टाइम और मात्रा में थोड़ा सा बदलाव करना है, जिसमें आपको सुबह का खाना थोड़ी देर से खाना है और रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेना है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में खुद से ही सफाई करने की पावर होती है, लेकिन हमारा शरीर सफाई का काम उसी समय करता है जब वो फ्री होता है, क्योंकि जब तक हमारे पेट में खाना मौजूद होता है, हमारा पेट खाने को डाइजेस्ट करने में व्यस्त होता है। दोस्तों, हम लोग पेट को जरा सा भी खाली नहीं छोड़ते, पेट खाली होता भी नहीं है और हम लोग खाना भरते जाते हैं। इसलिए जब आप रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खा लोगे तो आपके सोने के टाइम तक आपका पेट आधे से ज्यादा खाना डाइजेस्ट कर लेगा। उसके बाद जब आप सो जाओगे तो आपका पेट आपके शरीर की सफाई करेगा, और जब आप सुबह का खाना भी थोड़ी देर से खाओगे तो आपके शरीर को काफी लंबा समय मिल जाएगा शरीर से गंदगी साफ करने के लिए। इसके अलावा आपको खाना निगलना नहीं है, बल्कि 32 बार चबा चबा के खाना है, क्योंकि जब हम खाना मुंह से नहीं चबाते तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को ज्यादा समय लगता है और इसी चक्कर में हमारे पेट की गंदगी साफ नहीं हो पाती। नंबर 3, क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, हमारे शरीर को हमेशा गंदगी और बीमारियों से दूर रखने के लिए खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें, पैकेज्ड चीजें और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं करना। अब बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, खाने में 3 तरह की चीजें होती है। पहला सब्जी और फल, दूसरा है अनाज यानी कि रोटी, चावल, दालें, और तीसरा है एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मछली, चिकन, अंडा, दूध वगैरह। दोस्तों, अपने शरीर को हमेशा साफ रखने और बीमारियों से हमेशा दूर रखने के लिए आपको सब्जी और फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, और जो भी खाना आप खाते हो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चावल खा रहे हो तो चावल की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आप रोटी खा रहे हो तो इसमें भी रोटी की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सब्जियों और फलों में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आंतों में जमे टॉक्सिन को नीचे की तरफ धकेलता है और हमारी आंतें हमेशा साफ रहती है। नंबर 2, दोस्तों आपको घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप खाना खाने से पहले घी का इस्तेमाल करोगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि जहां घी होता है वहां कुछ भी नहीं चिपकता, वहां कुछ भी लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर आप घी को किसी चीज के साथ खाओगे तो ये फैट बन जाएगा। अगर आप सिर्फ घी खाओगे या खाना खाने से पहले थोड़ा सा घी खा लोगे तो फैट नहीं बनेगा। जब घी अकेला आपके शरीर में जाता है तो उसे पचाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये किसी चीज के साथ मिलकर शरीर में जाता है तो ये फैट बन जाता है। नंबर 1, दोस्तों हमारे शरीर में जमी गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है, इसीलिए हर रोज कम से कम 20 से 30 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना, बारी बारी वेट उठाना नहीं है, बल्कि आप वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर घर पर भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा एक सबसे खास बात, दोस्तों हमारी नींद पूरी होना भी हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में जरूर लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि रात को लेटे और आंखें बंद हो रही है फिर भी मोबाइल में लगे पड़े हैं, बाबू सोना में लगे पड़े हैं। इन सारी खराब आदतों का असर हमारी सेहत पर बहुत बुरा पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। दोस्तों, ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी मेहनत का फल देने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए।